सुन्नी मशायख कॉन्फ्रेंस में अगर मैंने मशायख से कुछ ना कहा तो बड़ी कमी रहेगी। मैं मशायख से कहना चाहता हूं कि रह गई रस्म अज़ां, रूहे बेलाली न रही, सिर्फ हमारे यहां तस्बीह हो, करामात ना हो, असरात ना हो, तालीमात ना हो। बढ़ई का फन बढ़ई के घर का है, कारपेंटर का फन कारपेंटर के घर का है, इंजीनियरिंग इंजीनियर के घर का है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है, पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन की है, राजनीति राजनेता की है, मगर शरीयत और इस्लाम ये नबी का इल्म है, ये अली का इल्म है। नबी का इल्म नबी की औलाद में ना हो, अली का इल्म अली की औलाद में ना हो, फातिमा का इल्म फातिमा की औलाद में ना हो, इमाम हसन का इल्म इमाम हसन की औलाद में ना हो, इमाम हुसैन का इल्म इमाम हुसैन की औलाद में ना हो, गौसे आजम का इल्म गौसे आजम की औलाद में ना हो, सैयद वजीहुद्दीन का इल्म उनकी औलाद में ना हो, मखदूम अशरफ का इल्म उनकी औलाद में ना हो, नूरुल ऐन का इल्म उनकी औलाद में ना हो। औलिया अल्लाह की औलादों के पास अपने वलियों का इल्म ना हो, इस पर संजीदगी से अपना हिसाब लीजिए। ये जिस इल्म की बुनियाद पर आप पर गलत नजर डाल रहे हैं वो सिर्फ इल्म है, वही इल्म जो इनको मेरे बाप दादा से मिला। अब ये इतने वफादार नहीं है कि हमारे बाप दादा से ली हुई अमानत को हमारे पास ईमानदारी से लौटाएं। अब इनकी गैरत बेगैरती का ये आलम है कि इल्म की बुनियाद पर सैयदों का दिल दुखाते हैं, अले रसूल के कलेजे पे तीर मारते हैं, गौसे आजम के खानदान में पलने वाले बच्चों को ये पत्थर मारते हैं। मुझसे कहते हैं हाशमी गद्दार आला हजरत है, कहा जाता है कि आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम की तौहीन करता है। खुदा की कसम अगर कोई भी रिजवी कोई भी अशरफी कोई भी बरकती एक भी टेप ले आवे एक भी किताब ले आवे जिसमें आला हजरत की तौहीन मैंने की हो तो मैं उसे न सिर्फ ये कि 1,00,000 रुपया दूंगा बल्कि तौबा भी करूंगा, उससे मुरीद हो जाऊंगा, मैं अपना पीर बदलने को तैयार हो जाऊंगा। और ये इतनी भारी बात इसलिए कह रहा हूं कि तुम ढूंढते ढूंढते मर जाओगे मगर एक तौहीन नहीं ला सकते। कोई भी महबूब अपने मुहिब की तौहीन नहीं करता, कोई भी माशूक अपने आशिक की तौहीन नहीं करता, कोई पढ़ा लिखा सैयद अहमद रजा की तौहीन नहीं करता। मगर ये तो उनकी इसलाह के लिए मैं 3 साल से बोल रहा हूं कि काहे को चंदा मांगते हो, काहे को रसीद